जी, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये आप लोगों के साथ शेयर करने में कि ITS इंजीनियरिंग कॉलेज को आर्या रैंकिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग है, जिसको हम अटल इंक्यूबेशन अचीवमेंट रैंकिंग बोलते हैं, इस रैंकिंग के अंदर टॉप 25 कॉलेजेस के अंदर पूरे भारतवर्ष के उसमें स्थान प्राप्त हुआ है। ये हमारे जो इनोवेशन की टीम कॉलेज के अंदर है, जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर, ये उनके प्रयासों की, उनके परिश्रम की सराहना हुई है, उसको रिकग्नाइज़ किया गया है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुझे बहुत हर्ष है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से, इस क्षेत्र में जो बच्चों ने पिछले कुछ सालों में बड़ा परिश्रम किया है, उसका रिकग्निशन है ये। हमारे कॉलेज के अंदर हमारे पास दो इंक्यूबेशन सेंटर हैं, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का MSME का इंक्यूबेशन सेंटर है, इसको बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, BI बोलते हैं। उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आइडिया, अगर कोई बच्चे के पास अच्छा आइडिया है और उसको अगर वो इंक्यूबेट करना चाहता है, अपने आइडिया को कन्वर्ट करना चाहता है वो बिज़नेस के अंदर, जो भारत सरकार की भी मुहिम है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, उस मुहिम के अंदर अगर बच्चा चाहता है कि अपने उस आइडिया से बिज़नेस शुरू किया जाए, तो MSME की तरफ से 15 लाख रुपये की ग्रांट मिलती है उस आइडिया को इंक्यूबेट करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसको बोलते हैं न्यूजेन IEDC, उसके अंदर एक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए 3.5 लाख रुपये की ग्रांट मिलती है कि मैं अपने आइडिया को इंक्यूबेट कर सकूं। इसके बाद जब आपका आइडिया इंक्यूबेट हो जाता है, तो अगला स्टेज होता है कि बच्चा उस अच्छे अपने आइडिया को, जिसका प्रोटोटाइप बन चुका, प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका और हमको लगता है कि हाँ इसको स्केल कर सकते हैं, बड़ी सक्सेसफुल फैक्ट्री खोल सकते हैं, तो हमारे पास इसका पूरा एक स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे तैयार है। हम लोगों ने एक सिंगापुर की कंपनी है ठक्कर साहब की, हमने उसके साथ साइन अप किया है। हमारा जो ऑनरेबल मैनेजमेंट है डॉक्टर RP चड्ढा, जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से स्टार्टअप फंडिंग है। एक कहावत है गुजरात की कि अगर पहले 1000 दिन अगर कोई बिज़नेस सर्वाइव कर जाए तो वो बिज़नेस आगे बहुत बड़ा बन जाता है। तो पहले जो 1000 दिन है, जो पहले 3 साल क्रूशियल होते हैं, उस 3 साल के लिए बच्चा अपने बिजनेस को कॉलेज के अंदर ही सेट कर सकता है। उसको किसी पोल्यूशन कंट्रोल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बिजली विभाग के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी और डिपार्टमेंट से क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे कॉलेज के इस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर एक हमने कोवर्किंग स्पेस क्रिएट किया, एक फैक्ट्री क्रिएट की है, इसके अंदर वो बच्चा अपना प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर सकता है। और जब 3 साल के बाद उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके पास 3 साल की बैलेंस शीट होगी, उसके पास 3 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होगा, वो अपनी बिजनेस को बाहर ले जाके बड़ा करना चाहेगा, तब भी उसके पास बड़ी फंडिंग के सपोर्ट के लिए हमारे पास 2 इंटरनेशनल और नेशनल फंडिंग एजेंसी मौजूद हैं। इन्हीं सब हमारे प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से हमको हिंदुस्तान के, भारत के टॉप 25 इनोवेशन कॉलेजेस के अंदर चुना गया है। आर्या ने जी, देखिए हमारे पास पिछले 5 साल में करीबन 30+ हमने इंक्यूबेट किया है। हमारे पास आज की डेट में 9 चलती हुई कंपनियां हैं हमारे छात्रों की, और करीबन 4-5 कंपनी हमारी एकदम अब शुरू होने के लिए तैयार हैं। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम में शिथिलता आ गई, अदरवाइज़ वो भी हमारी बिल्कुल तैयार कंपनी हैं जो काम करना शुरू कर देंगी। हमारे कई प्रोडक्ट्स बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे स्टूडेंट को जापान की सरकार ने बुलाया है 20 दिन की अपने पेड ट्रिप के ऊपर, उसने एक ऐसा मोटर का आविष्कार किया है जो मोटर की पावर को डबल कर देती है। इसके अलावा हमने एक मशीन, एक बच्चे ने अभी आविष्कार किया, उस मशीन के अंदर जो आप दुकानों पे नोट लेते हैं या करेंसी लेते हैं, तो उन करेंसी के नोटों को इंडिविजुअल सैनिटाइज़ कर सकते हैं। तो मतलब नोट काउंटिंग मशीन के अंदर सैनिटाइज़र का प्रोसेस उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया उस बच्चे ने। हम एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने एक मल्टी फंक्शन रोबोट बनाया, जो आज AKTU यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोगों को सैनिटाइज़ करने में, वो थर्मल स्कैनिंग करने में, मतलब किसी आदमी की आवश्यकता नहीं है, मशीन की हेल्प से, आप रोबोट की हेल्प से आप थर्मल स्कैनिंग कर सकते हैं, आप उसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं, वो हमने रोबोट बनाया। अभी हमारी हमने एक छोटे बजट में, एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, उसने एक
इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी कार बनाई है, छोटी कार बनाई है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी इन्वॉल्व हैं, वो काफ़ी पिछले दिनों चर्चा में रही, क्योंकि वो सिर्फ मात्र 20,000 रुपये के बजट में वो कार बन के तैयार हुई है, जिसमें 4 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं और वो एक बार के बैटरी चार्ज में करीबन 100 किलोमीटर चलती है। लिथियम आयन बैटरी उसमें लगाई गई, बैटरी की कॉस्ट इससे अलग है, बट कार की जो कॉस्टिंग है वो 20,000 रुपये पड़ी। तो हमारे स्टूडेंट्स लगातार जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसका ही ये, उस परिश्रम का ही ये फल है और रिकग्निशन है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने हमारे प्रयासों को सराहा और हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए, हमारी आपने हमारी बात को आप जो है आप बाकी लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पावर जनरेशन जस्ट डबल हो गया, जैसे 1 किलोवाट का अगर इसमें अल्टरनेटर लगा था तो अभी ये